दोस्तों आपको बता दें कि अमीर देशों की 2021 की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट के जारी होते ही इसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में वो देश भी शामिल हैं जिन्होंने इससे पहले अमीर देशों की लिस्ट में अपनी जगह पहले कभी नहीं बनाई थी। तो दोस्तों, अगर आप भारत देश के निवासी हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अमीर देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। तो आइए आज जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि अमीर देशों की सूची कैसे तैयार की जाती है। आपको बता दें कि अमीर देशों की सूची तैयार करने में उस देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, बिजनेस, प्रॉपर्टी और विदेशों में खरीदी गई प्रॉपर्टी को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से अमीर देशों की सूची तैयार की जाती है। आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। दोस्तों, इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका की कुल संपत्ति 64,584 अरब डॉलर है। आपको बता दें, अमेरिका पहले से ही विकसित देश है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन अमेरिका की है। इसके अलावा दुनिया की सबसे अमीर आदमियों की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, जो अमेरिका को अमीर बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया के कुल पैसों में 30% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर चीन है। चीन की कुल संपत्ति 24,803 अरब डॉलर है। साल 1947 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था एक जैसी थी, लेकिन बीते सालों से चीन ने दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है, जिससे आज चीन विश्व में दूसरे सबसे अमीर देश में शामिल है। आज विश्व भर में आपको मेड इन चाइना का सामान देखने को मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अपना सामान सस्ते दामों पर अन्य देशों में निर्यात करता है। भारत के बाज़ार में भी चाइना ने काफ़ी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। चाइना का सामान सस्ते होने की वजह से भारत के लोग ये सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में जापान तीसरे स्थान पर आता है। जापान की कुल संपत्ति 19,522 अरब डॉलर है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के अलावा सुरक्षा के लिए हथियार बनाने में और उसे किसी अन्य देश में निर्यात के लिए जाना जाता है। इस लिस्ट में ब्रिटेन चौथे स्थान पर आता है। ब्रिटेन की कुल संपत्ति 9,919 अरब डॉलर की है। ब्रिटेन एक छोटा देश है। ब्रिटेन की जनसंख्या कम होने के कारण एक सक्षम देश है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक शिक्षित हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। इसकी अर्थव्यवस्था में इसकी कंपनियों, यहाँ के अरबपति और हथियारों के निर्यात का काफ़ी योगदान है। लिस्ट में पांचवें स्थान पर जर्मनी है। जर्मनी की कुल संपत्ति 9,660 अरब डॉलर है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। जर्मनी भी छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या भी कम है, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने के कारण इस देश में बहुत ही कम गरीब लोग हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में छठे स्थान पर भारत आता है। भारत की कुल संपत्ति 8,230 अरब डॉलर है। भारत ने बीते सालों में काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत
काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया देश में आर्थिक संकट खत्म होता गया। भारत में अभी भी बहुत गरीब और अशिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन इस देश में काफ़ी अमीर लोग भी हैं जो भारत को अमीर बनाने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इस लिस्ट में फ्रांस 7वें नंबर पर आता है। फ्रांस की कुल संपत्ति 6,649 अरब डॉलर की है। फ्रांस काफ़ी छोटा देश है और इसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, लेकिन फ्रांस हथियार, बेहतर तकनीक, फैशन और नए ट्रेंड्स, कई अन्य सेवाओं और उत्पादों सहित अपने समृद्ध निर्यात के लिए जाना जाता है। भारत भी काफ़ी हद तक आर्मी के हथियारों के लिए फ्रांस पर ही निर्भर है। इस लिस्ट में कनाडा 8वें स्थान पर आता है। कनाडा की कुल संपत्ति 6,393 अरब डॉलर है। आपको बता दें कि कनाडा की जनसंख्या भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। कनाडा अमेरिका यानी यूएसए का पड़ोसी देश है। कनाडा देश की गिनती भी विकसित देशों में होती है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 9वें स्थान पर आता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल संपत्ति 6,142 अरब डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को बंजर रेगिस्तान वाला देश के रूप में जानते हैं, लेकिन इस देश के पास खनिज का भंडार है। ये देश खाद्य उत्पादन में भी बहुत अधिक समृद्ध है। इस लिस्ट में इटली 10वें स्थान पर आता है। इटली की संपत्ति 4,276 अरब डॉलर है। इटली एक छोटा देश है और इसकी जनसंख्या भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। इटली दुनिया में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इटली में आय के अपने कई व्यापक स्रोत हैं। पर्यटन, कृषि, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था ने इटली को अपनी आय बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया है। अब आप जान गए होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, हालांकि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है वह आने वाले सालों में बहुत से ऐसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ सकता है, लेकिन भारत के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।